हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर 60 ब्लॉग। और कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। पर गला थोड़ा मेरा ख़राब है तो मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, देखती हूँ उसमें आवाज़ सही आती है, साफ आती है या नहीं आती है, पर ऐड कर दे रही हूँ आवाज़ को, क्योंकि हमने अपना वीडियो कल बना लिया था, उसको ऐड नहीं किया था। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ना फ़ोन इनके पापा लेके चले गए थे, तो फ़ोन अभी मिला है हमको, इसको ऐड कर दे रहे हैं। अगर पॉसिबल होगा तो अभी इसको सेंड भी कर देंगे, नहीं तो अभी कल सुबह में करेंगे, हो सकेगा तो अभी कर देंगे, क्योंकि अभी 5:15 हुआ है, शायद 5:30 तक ऐड हो, 5:30 तक सेंड कर दें या 6 तक। तो आप सब लोग हमारे वीडियो पे अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाकर, और हमारे वीडियो में बने रहें। और जो भी देखें ना, प्लीज़ सभी लोग लाइक कमेंट कर दिया कीजिए प्लीज़, क्योंकि कोई इतनी मेहनत से वीडियो बनाता है तो उसको देखता नहीं है ना, लाइक कमेंट नहीं आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग लाइक कमेंट कर दीजिएगा। और इधर देखो, मेरे बाबू खेल रही हैं मोबाइल में, हम लोगों का तो रोज़ का ही काम है, हमारे वीडियो में बने रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता, कच्चा केला था, एक भैया आए वो अपने गांव से लाए थे बाराबंकी से, तो कच्चा केला रखा था 4-5 दिन से, तो मैंने इसको छील कर धुल लिया है, धुलकर मैं इसको घिस ले रही हूँ कद्दूकस में। तो ये देखो, ये घिस गया है अच्छे से। हमने इसमें थोड़ा सा नमक और जो मसाला था उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया, क्योंकि ना ऐसे थोड़ा टाइट था, जब हमने इसमें नमक डाला ना तो एकदम सब मुलायम सॉफ्ट हो गया। ये मसाला, मसाला में हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला है और लाल मिर्च पाउडर है। फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। फिर इसमें ना ज़रूरत के हिसाब से बेसन डालकर इसकी पकौड़ी बना लेंगे, फिर इसको फ्राई करके सब्जी बना लेंगे और बन जाएगा हमारा कोफ्ता। तभी तो हम इसको मिक्स ही कर रहे हैं। ये देखो ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। क्योंकि नमक की वजह से ना, जो केले में पानी था ना, तो पानी वो थोड़ा सा नम हो गया है ना, केला सॉफ्ट हो गया एकदम मुलायम से। अब इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, फिर भी थोड़ा सा कहते कहते थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था। क्योंकि ना जब पहले मैंने इतना मिलाया तो इसके बाद ना थोड़ा गीला लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था। और ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा गीला था। तो ये जो मेरी कढ़ाई है, इस कढ़ाई में ना वो कल पापड़ तले थे मुस्कान ने, तो उसी कढ़ाई में तेल रखा था, तो उसी में हमने पकौड़े तल लिए। और ये टमाटर की प्यूरी है, जो टमाटर का मिक्सी तो ख़राब थी, तो हमने ना इसको कद्दूकस में घिस लिया है, और इसी में हमने मसाला नमक सब ऐड कर लिया है, और जो हमने वो प्याज लहसुन जो इसका पेस्ट बनाया था उसको डाल के फ्राई किया, फिर मसाला टमाटर सब एक साथ में डाल दिए। अब इसको अच्छे से थोड़ा भून जाए। देखो, पकौड़े देखने में एकदम यम्मी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी है लगते हैं। तो मैं एक साइड पकौड़ी निकाल रही थी और एक साइड ना मुस्कान ना इसको तड़का वड़का लगा रही थी, ताकि जल्दी हो जाए, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, तो खाने में भी देर हो जाएगी। ये अच्छे से भून गया मसाला, उसमें पकौड़े भी डाल दिए अच्छे से, उसमें भी मसाला मिक्स हो गया। तो जिस हमने बर्तन में जो घोल बनाया था मिक्सचर, उसी में ना वो पेस्ट लगा हुआ था, तो उसी में हमने पानी उसको घोल कर वही पानी डाल दिया है इसमें। तो इससे ना होता क्या है, इसकी जो प्यूरी है ना वो थोड़ी सी अच्छी सी हो जाएगी,
में से पतला पतला रहेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और हम अपना ये वीडियो ना बाहर वाले रूम में ऐड कर रहे हैं ना आवाज़, तो इसमें ना जो बाहर बाइक वाइक चल रही है ना तो उनके हॉर्न की आवाज़ आ रही है। और मैंने इसको ढक के पका लिया, तो आप देखो कितना अच्छा सा कोफ्ता बन गया है। तो इनके पापा खा चुके हैं तो मैं अपनी थाली लगा ले रही हूँ इनकी थाली में, क्योंकि हम लोग ना ऐसे ही खाते हैं। है ना यम्मी यम्मी कोफ्ता, और खाने में बहुत ही टेस्टी था। और ये हो गई मेरी रोटी, चावल और कोफ्ते, थोड़ा सा प्याज। ये हो गया मेरा खाना, तो मैं खा रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाओ फ्रेंड, खा लो आकर खाना। और इधर मुस्कान की चल रही है समोसा पार्टी। इनको ना समोसे बहुत पसंद है, इनका मन करेगा तो समोसे जब मन करेगा तब ले आएंगी और खा लेंगी। यहाँ पुत्तू और मुस्कान समोसे खा रही हैं चटनी के साथ, और पराठा भी रखी हैं इनको। वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, जो नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।